नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। सिटी एसपी बोले आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 पिस्टल और 10 मैगजीन के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। बुनकरों की समस्या को लेकर उपवास पर बैठे पत्रकार, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो देश भर में होगा आंदोलन। भीषण जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर बोरिंग में जड़ा ताला। और नदी पर पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने वोट का किया बहिष्कार, कहा जनप्रतिनिधियों ने ठगने का किया है काम। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर पुलिस विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई दे रही है। अपराध एवं शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि चुनाव के दौरान शराब माफिया एवं अपराधियों के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग पर भी पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहती है। ऐसे में बुधवार को सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। समय से पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं ताकि अवैध हथियार या अवैध शराब या अवैध पैसा भी हम उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं ताकि किसी पर चेकिंग से जो अपना। मुंगेर जिला पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए कमर कस ली है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गाड़ी चेकिंग के दौरान तारापुर थाना अध्यक्ष ने गंगटी पुल के समीप बाइक से भाग रहे युवक को धर दबोचा। वहीं गिरफ्तार युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र सुतुरखाना निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है। युवक की तलाशी के दौरान उसके थैली से 5 पिस्टल एवं 10 मैगजीन बरामद किया गया। मामले को लेकर एसपी लिपि सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी अमन कुमार मुंगेर जिले में बड़े पैमाने पर हथियार तस्करी करता है और हथियार तस्करी के मामले में कई बार जेल भी जा चुका है। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर गिरफ्तार व्यक्ति ने कई तस्करों के नाम का खुलासा किया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। सूचना मिली थी कि असरगंज और तारापुर क्षेत्र में कुछ हथियार तस्कर जमा होने वाले हैं। उसके बाद तारापुर, असरगंज और खड़गपुर थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग लगाई गई। एक अमन कुमार का नाम का व्यक्ति जो कि सुतुरखाना मुफस्सिल थाना का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 5 7.65 mm की पिस्टल और 10 मैगजीन बरामद की गई है। अमन कुमार पूर्व में भी 3 बार आर्म्स एक्ट केसेस में जेल जा चुका है। जिला आसूचना इकाई काफी दिनों से इसकी खोज में लगी हुई थी और अंततः इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधीयन कलेक्टिव इंडिया के बैनर तले बुधवार को चंपानगर के मस्कंद बरारी में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपवास पर बैठे वरिष्ठ पत्रकार लतांत प्रसून ने बताया कि 7 सूत्री मांग को लेकर उपवास कार्यक्रम देश भर में चल रहा है। साथ ही कहा कि गांधीयन कलेक्टिव इंडिया सरकार से कोरोना संकट के समाप्ति तक गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को कम से कम 5,000 रुपए दिए जाने की मांग करती है। वहीं बुनकर दौलतराम ने कहा कि विभिन्न राज्यों में श्रमिकों के अधिकार को सीमित करने वाले आदेश को वापस लिया जाए और सार्वजनिक उपकरण का निजीकरण बंद किया जाए। उपवास के दौरान बुनकरों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उन लोगों का रोजगार ठप हो गया है, जिस कारण सिल्क कारोबारी भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं महिपाल दास ने कहा कि कोरोना काल में मछुआरों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद फिरोज रंगरेज, खालिद इम्तियाज समेत कई लोग मौजूद थे। जब लॉकडाउन हुआ और सड़कों पे जब मजदूर और प्रवासी मजदूर अपने घर की तरफ लौटे और उनकी जब दुर्दशा को देखा तो इस देश के तमाम गांधीवादी लोगों ने मिलकर के सोचा कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। तो 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन से यह उपवास की श्रृंखला शुरू हुई है। अब तक देश के लगभग 29 सभी राज्यों में जो है बारी बारी से लोग बैठ चुके हैं। हम लोग बैठे हुए हैं उपवास पर कि बुनकरों की स्थिति पर हम लोग बैठे हुए हैं और किसानों की स्थिति पर जो मेरे बैनर के नीचे है लिखा हुआ, और वो सही चीज़ है, जन्मीन चीज़ है। जो मेरे यहाँ हमारे बुनकरों की स्थिति लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के पूर्व भी
वो अच्छी स्थिति नहीं रही। बहुत बच्चे भूख से भाग रहे हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, किसके एक टाइम खाना बनता है और एक टाइम नहीं बनता है। और स्थिति ये है अभी कि आधा से अधिक लूम मोमिन और तांती दोनों का बंद पड़ा हुआ है। भागलपुर नगर निगम वार्ड 8 के सीटीएस रोड स्थित पंचमुखी महावीर मंदिर के समीप ऊपर टोला व हजारी साल लेन इलाके के दर्जनों घरों में डीप बोरिंग के कारण हुए भीषण जल संकट से स्थानीय लोग परेशान हैं। इसकी शिकायत करते करते जनता थक चुकी है, लेकिन पिछले 3 महीनों से इनके घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी के विरोध में 50 से अधिक की संख्या में इलाके के दर्जनों महिला एवं पुरुष आक्रोशित होकर सीधे डीप बोरिंग के पास पहुंच गए और ऑपरेटर व नगर प्रशासन की उदासीनता पर जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर आयुक्त के विरोध में बोरिंग पर ताला जड़ दिया। करीब 2 घंटे तक लोग बोरिंग के पास डटे रहे और नगर निगम प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते रहे। ऑपरेटर पीयूष कुमार ने बताया कि वे नियमित समय पर बोरिंग चलाते हैं, लेकिन इन दो इलाकों का क्षेत्रफल बड़ा रहने एवं ऊंचाई पर होने के कारण पानी इनके घरों तक नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने कहा कि कई बार जनता की परेशानी को नगर निगम प्रशासन के सामने रखा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं जनता के हंगामा व बोरिंग में तालाबंदी करने की सूचना पाकर वार्ड 8 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद इब्रार अंसारी मौके पर पहुंचे और 15 दिनों के भीतर नई पाइपलाइन बिछाकर जलापूर्ति कराने का वादा कर स्थानीय महिलाओं एवं आक्रोशित लोगों को शांत करवाया। उन्होंने बताया कि यदि नगर निगम प्रशासन जल संकट का स्थायी समाधान नहीं करती है तो वे खुद के कोष से काम करवाएंगे। ये लोग का कहना है कि हम लोग को पानी नहीं पहुंचता है। हम मोटर ऑपरेटर हैं, मोटर चलाते हैं, लाइन जितना देर रहता है टाइम टेबल चलाते हैं, फिर भी इन लोग को पानी नहीं पहुंचता है। इससे हमको यही पता चलता है कि या तो इनका घर ऊंचाई पे है या तो इनके यहाँ जाते जाते पानी समाप्त हो जाता है। भागलपुर के कटोरिया अंतर्गत कड़वा मारनी गांव से एक ऐसी घटना सामने आई है जो सरकार द्वारा हो हल्ला कर रहे गांव गांव तक विकास के वादे की पोल खोल देगी। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा वर्षों से कड़वा मारनी नदी पर पुल की मांग की जा रही है, पर अब तक किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस पर पहल नहीं की गई, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। मंगलवार को कड़वा मारनी गांव निवासी रोहित मंडल की 20 वर्षीय पत्नी कविता देवी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन नदी पर पुल नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नदी के दूसरी तरफ नहीं आ सकी और पीड़िता को लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचना पड़ा। इस दौरान महिला को पैदल चलता देख रहे सभी लोगों ने सरकार की जमकर निंदा की। नदी पार करने के बाद पीड़िता को एम्बुलेंस से कटोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने कुछ ही देर बाद एक पुत्र को जन्म दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पुल एवं सड़क नहीं होने के कारण काफी परेशानी होती है और 4000 आबादी वाले इस इलाके का दर्द कोई जनप्रतिनिधि नहीं समझता है। पुल एवं सड़क से वंचित ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। ये मेरा कड़वा मारनी गांव का नदी का अधूरा पुल पिछले 8 साल से है। इस पुल के अधूरा हो जाने के कारण यहाँ पे 4 चक्का कोई वाहन कोई भी पिछले 8 साल से नहीं आ पाता है, न ही एम्बुलेंस आ पाता है। अभी बरसात के दिनों में 2 व्हीलर वाहन आने में भी काफी दिक्कत होता है, खतरे से खेल के पार होना पड़ता है। आज एक मेरे गांव की ही गर्भवती महिला थी जो जा रही थी, एम्बुलेंस फोन करके बुलाई, एम्बुलेंस नदी के ऊपर में आया, उसको वहां गांव से 1 किलोमीटर पैदल आना पड़ा, उधर किसी तरह आ गया नदी के चढ़ाव में, नदी में उसको 4 बार बैठना पड़ा। इतना दिक्कत हो रहा था कि देखने में हम लोग को काफी दया आ रही थी। और उसके बाद भी आज तक नेता पदाधिकारी सारे लोग यहाँ पे कोई नहीं सुनते। नदी के 7 दशक के बाद भी हम लोगों का गांव कड़वा मारने की नदी में पुल नहीं रहने, पुल सड़क नहीं रहने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे गर्भवती महिला, बीमार लोग को एम्बुलेंस की सुविधा हम लोगों को आज तक नहीं मिला है। पढ़ने वाले बच्चे भी 6 महीना पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस जिला नवगछिया के परवत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला। घटना में मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। मृतक की पहचान मधेपुरा के गंगापुर कचहरी टोला निवासी नंदकिशोर मंडल के 21 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार के रूप में हुई है। वहीं भ्रमरपुर बाशा निवासी गंगा प्रसाद मंडल का 22 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए बाइक सवार को पीछे से धक्का मारा। धक्का मारने के बाद चालक ट्रक को लेकर भागने में सफल रहा। घटना के बाद परवत्ता पुलिस द्वारा घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने घायल को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि दोनों किसी जरूरी काम से भागलपुर गए थे और शाम के वक्त वापस अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान हुई सड़क हादसे में विशाल की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर परवत्ता पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक की तलाश कर रही है। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा काफी समय पहले मिल चुका है, लेकिन शहर स्मार्ट सेवाओं से अब तक वंचित है। वहीं शहर का दक्षिणी क्षेत्र कहे जाने वाले बौंसी पुल के समीप बुधवार को बिना बारिश के ही सड़क पर भारी जलजमाव हो गया, जिस कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत के काल में छोटे छोटे सैकड़ों नालियों के पानी की निकासी के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में 14 हथिया नाले का निर्माण कराया गया था, ताकि नाले की पानी का निकासी आसानी से हो सके। लेकिन प्रत्येक वर्ष बरसात के समय में लोगों को जलजमाव की समस्या होती है। इस बात से नगर निगम के अधिकारी भी भली भांति वाकिफ हैं। कई राजनेताओं ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस समस्या को लेकर कई वादे किए, लेकिन काम के नाम पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। बुधवार को जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सनहौला मोड़ के समीप एक टाटा मैजिक की तलाशी कर
पुलिस ने 48 कार्टून से 1135 बोतल देशी एवं विदेशी शराब बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर एवं खलासी को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार ड्राइवर 20 वर्षीय दीपक कुमार एवं खलासी सुमित कुमार धनवाद का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि झारखंड से शराब लेकर डिलीवरी के लिए भागलपुर ले जाया जा रहा था। वहीं जगदीशपुर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और वाहन व शराब को जब्त कर ड्राइवर एवं खलासी को गिरफ्तार किया गया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PNA साइंस कॉलेज परीक्षा केंद्र पर बुधवार को BCA के 5वीं सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न हुई। केंद्र अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद फिरोज आलम ने बताया कि परीक्षा में 273 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 4 अनुपस्थित रहे। वहीं TMBU के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। वहीं PRO ने बताया कि MSc बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा भी शांतिपूर्ण रही। आचार संहिता को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गई है। वहीं सही ढंग से आचार संहिता का पालन कराने को लेकर बुधवार को बांका SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च अमरपुर थाना परिसर से निकलकर पवई, संग्रामपुर, दाऊना समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए अमरपुर बाजार पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान स्थानीय जनता को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की गई। फ्लैग मार्च के दौरान अमरपुर थाना प्रभारी अरविंद राय, कपिल देव यादव, रामेश्वर यादव, राजेश कुमार सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। CTSP बोले आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 पिस्टल और 10 मैगजीन के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। बुनकरों की समस्या को लेकर उपवास पर बैठे पत्रकार, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो देश भर में होगा आंदोलन। भीषण जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर बोरिंग में जड़ा ताला। और नदी पर पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने वोट का किया बहिष्कार, कहा जनप्रतिनिधियों ने ठगने का किया है काम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।